बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैंने आप लोगों को डिस्कस करना था न्यू एडमिशन्स के हवाले से, जो एमएससी के बारे में काफ़ी क्यूरियस थी कि एमएससी में न्यू एडमिशन होंगे या नहीं होंगे। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन कर रही हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी ने अभी तक एड नहीं दी, वो इसको देख रही हैं कि एचएससी क्या इसके बारे में नोटिफाई करते हैं। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग तो हम न्यू जो एडमिशन है वो एमएससी में नहीं कर सकते, मगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एच ई सी को लेटर लिखा है कि ड्यू टू कोविड सिचुएशन हमारे कुछ चीज़ें स्मूथ नहीं चली, तो आप ए इसको फर्दर एक्सटेंड कर दें एम एस सी के एडमिशन के लिए, कि इस साल भी हम लोग जो जो एडमिशन करेंगे फॉल 2020-21 में वो एम एस सी में एडमिशन कर सकें। उसकी तरफ से एच ई सी की तरफ से अब उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो इसलिए जो हमारी यूनिवर्सिटी जी सी यू है फैसलाबाद है, इसने कहा है कि हम दोनों तरह से प्रिपेयर हैं। अगर तो हमें एचएससी की तरफ से रिप्लाई आ जाता है कि एमएससी स्टार्ट करें आप कर सकते हैं, तो हम एमएससी के एडमिशन ही करेंगे। ये इस सब पे लागू होगा, चाहे वो मेन कैंपस है गवर्नमेंट के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं या फिर प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेजेस। जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी उसके लिए एमएससी के लिए वो चीज़ें रिक्वायर होंगी इसके लिए बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, यानी दोनों सिस्टम चलेंगे, दोनों में से एक सिस्टम चलेगा, चाहे एमएससी में एडमिशन हो जाए चाहे वो बीएससी सेमेस्टर में एडमिशन हो जाए, दोनों एक ही चीज़ होंगे। तो एक्चुअली दोनों का जो अगर बीएससी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर और बीएस फिफ्थ सेमेस्टर से एट सेमेस्टर, दोनों की चीज़ सेम टू सेम कोर्स वर्क, सब कुछ सेम कोर्स है, वो सारा सेम है, स्कीम ऑफ स्टडी सेम है, कोर्स आउटलाइन सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और जो प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेजेस हैं और जो उनके जो एडमिशन हम एमएससी में करते थे वो एमएससी में नहीं होंगे, वो बीएससी सेमेस्टर में हो जाएंगे, मगर जैसे ही वो एचएससी की तरफ से उसका कोई रिप्लाई आता है उसके अकॉर्डिंगली वो हमारी यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी फैसला बाद नोटिफाई कर देगी कि आपने एडमिशन एमएससी फर्स्ट में करना है या बीएससी फिफ्थ में करना है। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, मगर जिसने स्टूडेंट ने बीएससी किया उसको चाहे एमएससी फर्स्ट में एडमिशन मिल जाएगा या बीएससी फिफ्थ में मिल जाएगा, तो कॉलेज इस हवाले से फ्री ना होंगे, उनका जो एमएससी में एडमिशन है वो इस साल नहीं होंगे, जो एमएससी की बजाय उनको बीएस फिफ्थ सेमेस्टर का वो एक नोटिफाई कर देंगे एफिलिएशन से, वो उसमें एडमिशन कर सकेंगे। तो ये क्यूरीज बहुत सारे कॉलेजेस की थी, वो मैंने इनका रिप्लाई करा, स्टूडेंट भी पूछते काफ़ी सारे इस हवाले से भी, और एड कब आएगी। एड अभी थोड़ी सी लेट है क्योंकि अभी काफ़ी जो है बोर्ड्स का और जो आगे बीएससी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं दिए, जैसे ही ये रिजल्ट अनाउंस होंगे तो उसके बाद ये अक्टूबर के अंदर या सितंबर के लास्ट वीक में एक्सपेक्टेड है कि आपकी जो बी एस और एम एस सी फिफ्थ सेमेस्टर में या एम एस सी में जो एड है वो आएगी। अभी करंटली एम फिल और पी आई डी की एड आई हुई है, उसकी क्लोजिंग डेट सेप्टेम्बर के लास्ट लास्ट में। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।